हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? वेलकम टू एलिगेंट फैक्ट्री। मेरा नाम हर्षित है और मैं यहाँ पर इस एलिगेंट फैक्ट्री प्लेटफॉर्म पे अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और बेसिकली जो भी मेरे को याद है, जो जिस कंपनी में मैं कुछ काम सीख के आया था, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप हो जाए कि क्या सीन चल रहा है और किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो उसमें। चूँकि मैं नहीं बढ़ पाया तो कुछ ना कुछ मेरे में कमी रही होगी, है ना। लेकिन अब मैं चाहता हूँ यार वो कमी, जैसे आप लोग कोशिश करो उस कमी से ऊपर उठो और आगे बढ़ो यार, मॉनेटरी वाइज और करियर वाइज ऑल्सो। ठीक है, तो जैसा कि आप इस वीडियो का टाइटल देख पा रहे हो यार, कि 30, 40, 45, 50 हज़ार तक आप जल्दी से जल्दी कैसे पहुँचें पॉलिसी बाज़ार में या फिर पैसा बाज़ार में। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर आप बात करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हो, मतलब फर्स्ट टाइम लैंड किए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन बहुत मोटिवेट करता है भाई। एक साल हो चुका भाई, प्लानिंग बहुत कर रखी है आगे किस तरह से इसको प्रोसीड करना। ठीक है, लेकिन यूँ है ना, थोड़ी ऑडियंस बड़ी होगी तो यार मेरे को भी आगे कहीं सीनियर अथॉरिटी से बात करने में मज़ा आएगा या फिर कहीं आगे बढ़ने में मज़ा आएगा। तो जितनी जल्दी हो सके यार आप सब्सक्राइब करा करो यार। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, बार बार मत कहलवाया करो। आप लोगों ने बहुत बार हर वीडियो में कहना पड़ता है मेरे को, और अभी तो बेंचमार्क 0 से 10 सब्सक्राइबर जब बढ़े थे तो बहुत खुशी हुई थी भाई। अब बेंचमार्क थोड़ा हाई हो चुका है भाई, अब 10 के पीछे 2 जीरो और चाहिए, यानी 1K चाहिए अपने को, ताकि हम आगे बढ़ सकें। और मतलब जिससे भी बात करनी है आगे, जिस लेवल पे इस चैनल को पहुंचाना है, तो उस लेवल तक प्रोसीड कर सकें, तो आपका साथ चाहिए भाई। बिना साथ के पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, और कुछ ना कुछ यार देखो, बेसिकली पर्पज़ यही है, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो पाए। ठीक है, वीलॉग चैनल को मैं सपोर्ट नहीं करता यार इतना, क्योंकि उससे कोई खास नहीं है दूसरों की ज़िंदगी देखना। उसमें मतलब एपिसोड की तरह उसमें मतलब ठीक है, मज़े आते हैं, लेकिन यार वो कुछ खास वैल्यू ऐड नहीं करते। ठीक है, या फिर एक बेंचमार्क सेट, अगर आप लोग उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो कि भाई ये बंदा यहाँ पहुँच गया तो हम भी वहाँ पहुँच जाएँ, ठीक है, वो बात अलग है यार। लेकिन मेरे को पर्सनली इतना मतलब वो नहीं है, अब मेरे को जैसे जैसे समझ में आता है तो कुछ वैल्यू ऐड नहीं होती यार। ठीक है, आप देखते रहो, उससे मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो मतलब शुरू मैंने यही सोच के किया था कि यार कुछ ना कुछ मतलब अगर लोग जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है यार, नो डाउट। लेकिन वही है ना यार, ठीक है आप सब्सक्राइब कर दो, बोलो मत ज़्यादा, मतलब मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली जैसा कि यार देखो, मैं आपको एक बताता हूँ, एक केस बताता हूँ। मेरे साथ में जो बंदा था, उसने अपने जनवरी मंथ में उसने इंसेंटिव ठोका था 50,000 का। ठीक है, और उसकी सैलरी लिटरली 45,000 से 50,000 के बीच में आई थी मार्च की। ठीक है, मार्च मंथ में जो सैलरी उठाई थी ना, मतलब जैसे पॉलिसी बाजार में आपको पता है कि पहले मंथ की सैलरी तीसरे महीने में आती है। ठीक है, जब आप मार्च में काम करके हटोगे तो वो मार्च की सैलरी में आएगी आपकी, ऐड होगे। तो उस बंदे ने पहले ही महीने में 50,000 का इंसेंटिव ठोका था, तो भाई वो रेयर केस था। ठीक है, उसके पास अच्छे क्लाइंट मिल गए उसको, बड़ी पेमेंट करने वाले। और बाकी मैं अपने जैसे मेरे जैसों की बात कर लूँ भाई, मेरे तो 15 दिन में कोई सेल भी नहीं हुई थी। ठीक है, लेकिन एक पॉजिटिविटी थी, कुछ ये एफर्ट थे कि यार ठीक है, जो मतलब बेसिक जो मेरा क्राइटेरिया होता है टीम के ऊपर बर्डन ना बनने का या फिर अपना टारगेट अचीव करने का, वो लास्ट में मंथ एंड तक कहीं किसी ना किसी तरह से पूरा हो गया था। ठीक है, तो शुरू के कुछ 6 महीनों में आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है यार कि आप लोग मतलब उस लेवल तक पहुँचो। उस लेवल इन द सेंस, जैसे आपकी 15-18 के बीच में सैलरी है, तो 25 से 35 तक पहुंचने में तो एफर्ट मारना पड़ेगा यार। ठीक है, और वो एकदम से नहीं होएगा, वो टाइम लगेगा यार, साल लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं। ठीक है, वो सैलरी, अब जैसे जो मेरे कलीग्स थे जिनको मतलब 1.5 साल प्लस का एक्सपीरियंस था, वो 35 से 40 के ऑन एन एवरेज इतना कमा रहे थे। ठीक है, और जिनको जिनकी कमांड अच्छी होगी थी, मतलब 2 साल के एक्सपीरियंस में भी ऐसा नहीं है ना कि सभी की कमांड अच्छी होती है, जिनकी कमांड अच्छी होगी थी उन्होंने तो मतलब कोविड के टाइम पे, मैंने उनसे पूछा था, तो कोविड के टाइम पे जब कोविड पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे वो, तो भाई 60 से 80 के बीच में भी वो सैलरी उठा रहे थे। ठीक है, तो नो डाउट यार देखो, सैलरी इतनी तो मिल ही जाती है, लेकिन प्रेशर तो खैर है ही यार। देखो सेल्स में जब फ्लोर पे आप काम करते हो ना, तो अलग लेवल का प्रेशर फील होता है, क्योंकि शुरू में ही अगर सुबह ही सेल हो जाती है आपकी तो फिर अच्छी बात है यार, और नहीं होती तो फिर वो अब ह्यूमन ब्रेन है यार, ऐसा ही है।
ठीक है, वो ले लेता है या फिर कोई टीएल चिल्ला देता है, तो उन बातों को इग्नोर करो यार, ठीक है, चिल्लाने दो यार, कोई चिल्लाता चिल्लाए, आप अपने काम पे ध्यान रखो, ठीक है। आपको कमाना है भाई, सैलरी आपके अकाउंट में आनी है, उसके अकाउंट में उसकी आएगी, ठीक है, तो भड़क लेनी नहीं है। और हाँ, डेविएट हो गया थोड़ा सा, बेसिकली ये बस यही है कि भाई एक्सेप्शंस की तरफ मत जाना कि भाई उसने इतने उठा लिए, लोग बता देते हैं अनलिमिटेड इंसेंटिव है, लेकिन भाई वो अनलिमिटेड इंसेंटिव के पीछे आप जो इनकम देखते हो, मान लो किसी ने 2-2.5 लाख रुपए महीने के छाप दिए, ठीक है, तो आप उसका वो भी तो देखो यार, उसको कितना टाइम हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है आप कि भाई एक महीने में जाते ही आप लोग इतना उठा लोगे, ठीक है, धीरे धीरे टाइम लगेगा यार, ट्रस्ट द प्रोसेस और चिपके रहो बस, ठीक है, चिपके रहो, मतलब बस चिपके रहो, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है यार, और पैसा बाज़ार की बात भी इसमें कर ही लेते हैं। पैसा बाज़ार में भी यार देखो इंसेंटिव ज़्यादा अच्छे, जो मेरी बातचीत होती थी जैसे पीजी में या फिर वैसे, ठीक है, तो बातचीत होती थी, तो फिर वो यूँ कहते थे भाई पॉलिसी बाज़ार में थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन पैसा बाज़ार भी कम नहीं है यार, ठीक है। मेरा भाई अपना वो पैसा बाज़ार में ही काम करता था और उसकी सैलरी भी मतलब ठीक ठाक आने लगी थी 18 से 25 के बीच में, तो उसके पहले दूसरे महीने के बीच में ही आने लग गए थे, ठीक है, तो ही वॉज़ हैप्पी वाइल वर्किंग ऑन द फ्लोर ऑफ पैसा बाज़ार, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं एकदम से 50,000 उठा लूँ, तो यार ये बहुत रेयर केस होता है, जैसा उस मेरे जो बैचमेट ने उठाया था ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है, तो उसने तो बड़ी पेमेंट मार दी थी यार, वो उसका लक साथ था और बस उसका बोलने का तरीका ऐसा होगा तो उसका चल गया था सिक्का, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हर महीने वो उतने उठा रहा था, ठीक है, फेब में उसकी कोई सेल नहीं हुई, टारगेट भी पूरा नहीं हुआ, ठीक है ना, मार्च में लेकिन उसका ठीक हो गया, टारगेट अचीव हो गया था, और फिर उसके एग्ज़ाम वगैरह आ गए थे, फिर उसने छोड़ी दी, ठीक है, लेकिन सैलरी लेके छोड़ी थी, ठीक है। तो लोड नहीं लेना, इन्जॉय करो यार, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एलिगेंट फैक्ट्री, और अगर अभी तक अब बने हुए हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब।